तो स्टेशन से सीधा यहाँ आ गई। यही समझ लो। पता है लोग ऐसा कहते हैं कि न्यूयॉर्क की गलियों की सैर अगर पैदल नहीं की तो कुछ नहीं किया। आप ये कर चुकी हैं, वैसे अगर नहीं किया हो तो मैं ये करवा सकती हूँ, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं टूरिस्ट नहीं हूँ। तो फिर ये सूटकेस लेकर क्यों घूम रही हो? टेम्प्ररी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ, उनकी शादी के लिए। किसकी शादी? प्रीटा और बेन की। मतलब वही मशहूर प्रीटा और बेन, करोड़ों की सबसे चहेती जोड़ी। बहुत ही शानदार इवेंट होगा। हाँ। होटल नौकरी दे रहा है क्या? हाँ, पर किसी ऐरे गैरे को नहीं, तुम जैसी को तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया था? लिंडा पेरीबॉटम। लिंडा पेरीबॉटम, अफसोस तुम इस टेस्ट में पूरी तरह फेल हो गई। क्या? तुम्हारा इंटरव्यू तभी शुरू हो गया जब तुमने इस होटल में पैर रखा। ऐसा भी होता है? मुझे पता। रॉयल गेट होटल के कर्मचारी होने चाहिए संस्कारी, आज्ञाकारी और सबसे जरूरी चीज लिंडा, होशियारी। क्योंकि यहाँ इस होटल में होने वाली घटनाओं की जानकारी एरो गैरो को बताना पड़ सकती है भारी। तो नौकरी के लिए गई तुम्हारी दावेदारी। मुझे रेज्यूमे तो लाई होगी ना, दिखाना प्लीज। हाँ देखिए। थैंक यू। ओह वाओ, तुमने तो मजाक में कई नौकरियां कर ली। हाँ वो तो है। दी डॉर्सी, डॉर्सी, दी आर्माडा, ये सारे होटल्स के नाम है। हाँ पर न्यूयॉर्क के नहीं, ये सब लंदन के होटल। देखो लिंडा, शादी का काम तुमसे ना हो पाएगा। ओह, इस काम के लिए हमें कोई देसी चाहिए। समझ सकती हूँ, थैंक यू मौका देने के लिए। हाय, वो एक्चुअली मुझे टेम्प्रेरी नौकरी के लिए अप्लाई करना था तो। क्या ये तुम्हारा रिज्यूमे है? नहीं, ये मेरा। वाओ, क्या क्वालिफिकेशन है? ये सिर्फ मेरा पहला पेज है। ठीक है, समझो तुम्हें ये नौकरी मिल ही गई। मैं अभी बॉस को फोन करती हूँ। अभी करोगी? हाँ। लोला, अगर मुझे कहीं शॉपिंग वगैरह करनी हो तो। हाँ, सामने बाई तरफ एक शॉप है। थैंक यू सो मच।